अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान बैंकिंग एंड टैक्सेशन परिचय इंट्रोडक्शन। गोकुल अपने कुछ दोस्तों से बातें कर रहा था। उनमें चर्चा चल रही थी कि उनके परिवार हर माह कुछ राशि बचा पाते हैं, उस राशि को कहाँ रखें जिससे वह सुरक्षित रहे व कभी कभी जरूरत पड़ने पर मिल भी जाए। मुझे तो लगता है कि एक बचत खाता खोल लो। उससे तो अच्छा है कि आवर्ती जमा खाता खोल लो, अधिक ब्याज मिलेगा। पर उसमें तो हर माह कुछ जमा करना होगा। ऐसा तो अगले कुछ महीनों तक हम कर ही सकते हैं। फिर तो ठीक है, हर महीने एक नियत राशि कम से कम 6 महीने तक जमा कराते रहो। कितनी राशि कहाँ कराऊँ और 6 महीने ही करना है क्या? नहीं, 10 वर्ष तक कर सकते हो, और बैंक या पोस्ट ऑफिस कहीं भी। यही नहीं, तुम चाहो तो 1 से अधिक खाते खोल सकते हो। यह ध्यान रहे कि राशि 10 रुपये के गुणक में ही लेनी होगी। लेकिन इसका क्या फ़ायदा? इसके ब्याज की दर अधिक है, जितने लंबे समय तक करवाओगे उतनी अधिक। और अगर बीच में ही पैसा चाहिए या किस्त ना हो तो? हर साल कुछ राशि तो निकाल सकते ही हैं। किस्त ना देने पर क्या होगा यह बैंक से पता करना होगा। हाँ, अगर खाता बंद करना पड़े तो ब्याज में कुछ कटौती कर शेष राशि आपको मिल जाएगी। इससे अधिक ब्याज प्राप्त करने के लिए क्या कोई अन्य खाता खोला जा सकता है? हाँ, सावधि जमा खाता खोला जा सकता है, लेकिन इसमें एक निश्चित अवधि के लिए ही पैसा जमा करना होता है। यह हम कैसे तय करें कि अपनी बचत राशि किस खाते में जमा करें? यह निकट भविष्य में बचत राशि के उपयोग की विशेष आवश्यकता नहीं हो तो इसे सावधि जमा खाते में जमा कर सकते हैं।